पलवल के शहर थाना क्षेत्र में एक ऑटो में बैठी तीन महिलाओं द्वारा एक महिला की सोने की चैन उड़ाने का मामला सामने आया है। हालांकि पीड़ित महिला के शोर मचाने पर मौके पर भीड़ जमा हो गई और दो महिलाओं को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि एक महिला फरार होने में कामयाब रही। पुलिस जांच के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। दिखाई दे रहा यह नज़ारा ब्राह्मण धर्मशाला के निकट का है, जहां लोगों की भीड़ ने ऑटो में बैठी महिला की सोने की चैन को उड़ाने के आरोप में दो महिलाओं को काबू किया है और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक महिला के फरार होने की बात की जा रही है। लोगों का कहना है कि उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम और शहर थाना पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस के आने पर महिलाओं को उन्होंने सौंप दिया। पीड़ित महिला शशि मंगला ने बताया कि वह सोना मोड़ से दवाई लेकर अपनी पुत्री के साथ अपने घर शाम नगर जा रही थी। ऑटो पर सवार होकर वह निकली ही थी कि ऑटो में तीन महिलाओं ने उसकी चैन को उड़ा लिया। जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसने आरोपी महिला को थप्पड़ मारकर शोर मचा दिया। इस बीच दोनों महिलाएं भागने लगी, जिसके बाद मौके पर जमा भीड़ ने एक दुकानदार ने महिलाओं के पीछा कर उनमें से दो महिलाओं को काबू कर लिया, जिसके बाद मौके पर आई पुलिस टीम ने अपनी गाड़ी में आरोपी महिलाओं को लेकर थाने रवाना हो गई। मौके पर खड़े दुकानदार धर्मपाल ने बताया कि वह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। सड़क पर हो रहे हंगामे को देखकर वह भागती हुई महिलाओं के पीछे भागे और दो महिलाओं को काबू किया। उन्होंने बताया कि इनकी साथी एक महिला मौके से भागने में कामयाब रही है। शहर थाना प्रभारी नायब सिंह ने बताया कि उन्हें जैसे ही यह सूचना मिली कि रेलवे रोड पर चैन स्नैचिंग की गई है, उन्होंने तुरंत मौके पर पुलिस टीम भेजी और महिलाओं को काबू किया। उन्होंने बताया कि आरोपी महिलाएं हसनपुर के गांव लिखी की रहने वाली हैं, उनसे सोने की चैन बरामद कर ली गई है। जी, क्या नाम है आपका? शशि मंगला। कहाँ रहते हैं आप? डीजे खान के पीछे, श्याम नगर। तो क्या मामला हुआ है? मैं सोने मोड़ से आ रही थी दवाई लेके। कहाँ से आ रहे थे? सोने मोड़ से। जी। लड़की थी मेरे साथ में। जी। और ये चलते टेम्पो में चढ़ी थी तीन लेडी। जी। और ये मेरे ऊपर चढ़े ही जा रही थी। जी। कह रही थी पैर हटाओ। मैंने कहा पैर तो मेरा बाहर की तरफ है। और इन्होंने जैसे वो चैन खोली थी ना मेरे पीछे से, वो मेरे सामने सीने पे लग गई थी। जी। मैंने देखा तो चैन इसने ये नहीं खींच पाई, इसलिए मैंने खींच ली थी। जी। फिर क्या हुआ, शोर किया आपने? फिर नहीं, मैंने शोर नहीं किया, मैं अपनी गली पे आ गई थी। जैसे मैं टेम्पो में से उतरी, मैंने इसको तीन चार चाटे मारे थे। इनको फिर पकड़ लिया? हाँ, मैंने कहा तूने मेरी चैन। कितनी औरतें हैं ये? तीन औरतें। पुलिस को बुलाया है? हाँ जी। किस जगह पे हुआ ये हादसा? ये मीनार गेट से और ये डीजी खान के बीच में। जी, क्या मामला हुआ है ये? मैं शॉप पे बैठा हुआ था, सामने भीड़ लग रही थी। जी। मैंने पता नहीं क्या माजरा है, यहाँ आके एकदम पता लगा कि चैन तोड़ी है। मैंने पूछा कौन है, वो लेडीज आके भाग रही है। मैं उनके पीछे भागा, उनको पकड़ा। उन्होंने अपने तीन लेडीज थी तीनों ने मिलकर भागने की कोशिश की। मैंने दो को पकड़ लिया, फिर एक तो आदमी और भी आ गए, उन्होंने मेरा साथ दिया, तो उनको पकड़ के हम यहाँ आए। पुलिस को सूचना दे दी है। 15 से 20 मिनट हो गए, पुलिस अभी तक आई नहीं। किस जगह हुआ ये वाकया? ये बिल्कुल डीजी खान से पूछे थोड़ा सा आगे, गुप्ता ऑप्टिकल से बिल्कुल उसी के साथ। क्या मामला है? अभी ये एक शिकायत प्राप्त हुई है, एक शशि एक और जो बाजार से किसी काम में आई थी, तो दो औरत उनके साथ बैठ थे। एक औरत ने उसकी चैन झपट्टा मार के छीन ली और उस औरत ने जब सहायता के लिए आवाज़ लगाई, आसपास के लोगों की मदद से दोनों औरतों को काबू कर लिया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है और संबंधित जो आरोपियां हैं उनको मौके से ही काबू कर लिया। तो सर, कहाँ के रहने वाली हैं महिला? कितनी महिला हैं ये? दो महिलाएं हैं और हसनपुर एरिया के रहने वाली। सर, और भी मामले खुलासे होने की उम्मीद है? अभी पूछताछ करने के बाद ये पता लगेगा, क्योंकि दूसरी बात का कम्युनिकेशन नहीं। तो सर, वो जो महिला से चैन झपटी थी वो पुलिस ने बरामद कर ली? हाँ, चैन बरामद कर।